जैसे समीना फैसल और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कुकिंग प्लस व्लॉगिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे खुश पाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ है आप भी मज़े में होंगे और मज़े से आपके रोज़े जा रहे होंगे नवा रोज़ा था आज नवी इफ्तारी हुई है तो नवी इफ्तारी की तैयारी करेंगे और आज मैं बना रही हूँ पुडिंग तो पुडिंग के लिए हमारे पास ये वाले पैकेट्स होते हैं रफहान के भी आते हैं और ये हैप्पी होम के भी आते हैं और जजा के भी आते हैं तो मैं ही यूज़ करती हूँ हैप्पी होम के तो मैं बना कर दिखाती हूँ आपसे आपको इसकी पुडिंग आ, वैसे तो आज का मेरा टॉपिक कुछ और भी है आपको बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ था दो दिन पहले तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन मैं आपको अभी ये बता दूं कि जो मैं पुडिंग बना रही हूँ हैप्पी होम का ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है यानी जो रफान वगैरह के आते हैं बहुत महंगे लगते हैं अक्सर करके लोगों को तो ये वाला जो पैकेट है ना ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है और इसके अंदर चीनी भी साथ में शामिल होती है तो हमें कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है बस ये पैकेट खोल हमें थोड़ा थोड़ा गर्म करके दूध को और इसमें मिक्स करना होता है और बस इसको थोड़ा सा उबाल देना होता है और ये रेडी अब इसमें जो है कैरमेल सॉस नहीं निकला था तो हम क्या करेंगे कैरमेल सॉस हम खुद बना लेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है रफान के पैकेट में जो है कैरमल सॉस निकलता है इसमें नहीं निकलता है अब इसको डालने के बाद मैं हिलाती जा रही हूँ और इसको पकाती जा रही हूँ साथ में मैंने बाउल रख लिया है बाउल के अंदर मैं इसको पोर करूँगी जब ये तो अच्छी तरह से पक जाएगा अच्छी तरह से हल हो जाएगा तो मैं इसको बाउल के अंदर पोर कर दूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं जो है आलू की पकौड़ियाँ डिटेल में बना के दिखाऊँ क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी तो मैं आज बना रही हूँ इस तरह से क्यूब्स मैंने आलू काट लिए हैं इसमें डाल दिया है एक दो गिलास के बराबर पानी और इसमें मैंने नमक भी शामिल किया है वो वीडियो जो है मुझसे स्लिप हो गई है क्लिप जो था वो गायब हो गया है मोबाइल से मैंने नमक डाल के और ढक के रख दिया है इसको उबालने के लिए इसको 50 परसेंट उबालना है अच्छी तरह से पूरा नहीं उबालना है जब ये उबल जाएगा तो Uh, फिर इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे ये देखें मेरा जो uh, पुडिंग था वो सेट होने लग गया है तो अब इसके ऊपर कैरामेल uh, वाला जो है प्रोसेस वो कर लेते हैं कैरामेल uh, क्रीम बनाते हैं थोड़ा सा बनाएंगे ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी पुडिंग भी थोड़ी सी ही है और मेरे ख़्याल में हाफ के जी जो हाफ लीटर दूध था ना उसमें मैंने बनाई थी और पैकेट भी हाफ लीटर वाला ही था तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टू टेबल स्पून शुगर उसको मैंने एक पैन में जो है मेल्ट करना स्टार्ट किया है मेल्ट ये होता जाएगा इसको मैं जो है स्टायर करती जाऊंगी घुमाती जाऊंगी साथ साथ ताकि ये जो है चिपक ना जाए जल ना जाए जैसे ही इसका कलर जो है इस तरह का हो जाएगा मैं इसमें दूध शामिल करूंगी तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून के बराबर ये देखिए मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर दूंगी इसमें और इसको घुमाती रहूंगी तो अच्छा सा जो है कैरमल सॉस बन जाएगा आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं इसमें दूध की जगह पर ये देखिए ये कैरामिल सॉस बन गया है अब इससे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं ये आपकी चॉइस है इसके बगैर भी पुडिंग अच्छा लगता है बुरा नहीं लगता बल्कि पुडिंग का टेस्ट जो एग वाला जो पुडिंग होता है ना मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सारे पुडिंग्स में तो यहाँ पर जो है इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली है ये देखिए वीअर्स ये तो रेडी हो गया है और अब आ जाते हैं दोबारा से आलू की पकौड़ियों पर यहाँ पर ये जो आलू हैं फिफ़्टी परसेंट बॉयल हो चुके थे तो मैंने क्या किया मैंने एक नाइफ़ लिया है और मैं इसे चेक कर रही हूँ कि आलू जो है फ़िफ्टी परसेंट बॉयल हुआ है या नहीं हुआ इससे ज़्यादा इसको बॉइल नहीं करना है वरना ये जो है टूट जाएंगे यहाँ पर मैंने इसका पानी निकाल लिया था इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून के बराबर बेसन जो चने का आटा होता है वो और मसालों में मैंने शामिल किया है नमक हसबका चिली फ्लैक्स एक से दो टेबल स्पून टी स्पून शामिल किए हैं एक टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है टू टी स्पून मैंने इसमें धनिया कुटा हुआ धनिया शामिल किया है एक टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं बेसन के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी पानी ज़्यादा नहीं डालना है तकरीबन आप समझ लें दो तो से तीन तीन टेबल स्पून मैंने इसमें पहले पानी डाला था और इसको मिक्स किया है देखें हम मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और मिक्स किया है जब मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं दूसरा पानी ऐड करूँगी वरना मैं पानी और ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी और इसमें कोई सोडा नहीं जाएगा कोई इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा कुछ भी नहीं जाना है ये थोड़े से क्रिस्पी से बनेंगे और इसका फ़्लेवर बहुत मज़े का होता है बहुत यम्मी लगते हैं ये या आप शाम के टाइम भी अपनी चाय के साथ भी बना सकते हैं रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें आप इनको फिंगर्स में काट के भी बना सकते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑयल जो है गरम हो रहा है होले होले क्योंकि गैस नहीं आ रहा रोज़ का प्रॉब्लम हो गया है रोज़ का मसला है ये तो मैंने जो है डाल दिए हैं अल्लाह का नाम लेकर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज इफ्तारी का तक की तैयारी करने में तो अब आ जाते हैं उस टॉपिक पर जो मैंने आपको टाइटल में और थंबनेल में बताया हुआ है कि दो तीन दिन से मुझे जो है व्हाट्सएप पर कोई परेशान कर रहा था अब वो कौन था मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी मुझे जो है पहली बार मेरा जो उनसे चैट हुआ था वो हुआ था मेरी फ़र्स्ट लाइव में आपको याद होगा जो जो मुझे रोज़ाना देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने एक लाइव किया था तकरीबन रमज़ान से एक दो दिन पहले तो उस लाइव में मुझे उन्होंने कहा था कि मैं आपको जानती हूँ और ये और वो तो मैं उनको नहीं जानती थी बिल्कुल और मैं समझ रही थी कि वो जो है मेरी कज़न है और कराची से हैं उनका नाम कामरान मेमन के नाम से उनकी आई थी तो जो है मैं समझ रही थी कि मैं उनको जानती हूँ लेकिन वो वो नहीं थी उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं सखर से हूँ और मैं आपको जानती हूँ तो फिर मैंने आ, अपने अकल के घोड़े दो दौड़ाना दो, शुरू कर दिए लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है फिर उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ले लिया और नंबर उनको कहीं से मिल गया मेरा और उन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप पर परेशान करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा जैसे मजाक में जैसे कहना मैं आपको जानती हूँ आप मुझे पहचानो और ये और वो तो मैंने जो है थोड़ी सी अपनी इस्तेमाल की और उनसे हिंट लेना स्टार्ट की जैसे उनसे उगलवाना शुरू किया कि आप कौन हैं जैसे आप मेरे मेके की तरफ़ से हैं या ससुराल की तरफ से हैं ननियाल की तरफ़ से हैं या ददियाल की तरफ से हैं है, है। इस तरह से मैंने उनसे इस तरह के सवाल पूछे कि उन्होंने खुद ही उन सवालों के जवाब दे के अपनी पहचान मुझे बता दी और मैंने उनको पहचान लिया तो दो से तीन दिन, दिन में जैसे थोड़ा सा मैं सोचती रही कि कौन है कौन है कौन है आ, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि वो कौन है वो हमारी कोई एक रिश्तेदार ही हैं मेरे ददियाल से हैं मेरी आ, जो ताई अम्मी हैं उनकी बहन की वो बेटी थी तो फिर वो मैंने उनको पहचान लिया था थोड़ा सा हिंट उनकी देने के बाद लेकिन हिंट मैंने थोड़ा सा अक्ल से उनसे निकलवाई और इस तरह के सवाल पूछे कि मैं उनको आसानी से पहचान लूँ तो मैं पहचान गई थी तो यहाँ पर जो है मैंने आलू की पकौड़ियाँ बना ली हैं और अब बन रहे हैं मिर्ची के पकौड़े और इसके अलावा भी एक बार मुझे व्हाट्सएप पर एक आध बार मैसेज आए हैं अब वो भी मैं क्योंकि किसी को अपना नंबर नहीं देती हूँ बहुत कम ही लोग हैं जिनको मैं अपना नंबर देती हूँ जो मेरा पर्सनल नंबर है मैं किसी को भी नहीं देती हूँ तो वो नंबर अगर किसी के पास होता है तो वो मेरी जान पहचान वाले होते तो उन्होंने भी मुझे परेशान किया था लेकिन वो ऐसी अप्रोप्रिएट वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे तो उनको मैंने ब्लॉक कर दिया था तो उनसे मैंने बात ही नहीं की थी लेकिन uh, ये है कि पता नहीं अब वो मेरे जानने वाले थे या नहीं थे मुझे पता नहीं चल रहा था तो फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था बस इस तरह के थोड़े से वाकयात कभी कभी हो जाते हैं लेकिन ये ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक चॉइस होती है एक हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किससे बात करनी है या किससे बात नहीं करनी है तो मैंने इस वजह से उनको ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन्होंने अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ किए थे तो इस वजह से मैंने उनको ब्लॉक किया था मैं इंस्टा की आईडी अपनी इसलिए दे देती हूँ आप लोगों को कि इंस्टा पर जो है हम सेफ़ होते हैं हम अपनी मर्जी से लोगों को चूज़ कर सकते हैं बात करने के लिए चैट करने के लिए हम चाहें तो वो कोई चैट हमें करे हम चाहें तो कोई ना कर सके तो ये होता है इंस्टा पर हम थोड़ा सा सेफ़ होते हैं और हमारा जो आ, हमारी पर्सनल लाइफ भी है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है इस तरह से तो ये बात है और ये बात आपके साथ शेयर करनी थी तो वो मैंने कर दी तो मैंने सोचा था मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊँगी कि देखें ये जो है होता है ऐसा भी हालांकि मैं बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझे इस तरह से मैसेज करके बोलेगा कि मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे पहचानो इस तरह से वो मुझे बहुत लाइक करती हैं मेरी वीडियोस रोज़ाना देखती हैं वो मुझे बताती हैं व्हाट्सएप पर कि मैं रोजाना आपकी ये वीडियो देखती हूँ मैं रोज़ाना आपको इस तरह से देखती हूँ मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं मुझे बहुत ज़्यादा लाइक भी करती हैं मुझे अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे लाइक किया मेरी वीडियोज़ देखी और आप सब भी जो भी मुझे कमेंट करते हैं जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरी जो रफ्तारी है वो बातों बातों में बिल्कुल रेडी हो गई है और आज जो है शायन बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है शायन के होने वाले एग्ज़ाम्स तो वो जो है बिल्कुल जाके सब पड़ा हुआ है सोफ़े पर इतना थक गया है इतनी इसने तैयारी की है स्कूल से आते के साथ ही बैग लिया है और बैठ गया है स्कूल से छुट्टी होने के बाद भी बेचारा पढ़ता ही रहा है पढ़ता ही रहा तकरीबन तीन साढ़े तीन बजे तक इसने अपनी तैयारी की है एग्ज़ाम्स की और फिर इसके बाद वो जाके सोया है और अभी तक उठने का नाम ही नहीं है तो अभी उसको भी उठाना है मुझे और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था अजान बस होने ही वाली थी जब मैं ये वाल, आखिरी वाले जो आलू की पकौड़ियाँ फ्राई कर रही थी ना तब बस अजान होने ही वाली थी बाकी मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी तो मुझे ये था कि बस मैं दस्तरखान लगा लूँ इसके बाद अजान हो वरना वो दुआ वाला जो टाइम होता है ना वो निकल जाता है आप भी नोटिस कीजिएगा जो इफ्तारी के टाइम पर हम दुआ करते हैं ना तो उससे दिल को इतना सुकून मिलता है इतनी तसल्ली होती है और ऐसा महसूस होता है कि हाँ हमने जो दुआ की है ना वो कबूल होने वाली है यकीनन। क्योंकि इफ्तारी के वक्त जो है ना अल्लाह ताला हमसे इतना करीब होता है मैंने एक हदीस में सुना था कि इफ्तारी के वक्त ना अल्लाह ताला हमसे इतना करीब हो जाता है अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ तो मुझसे मांगो शायान शायान इधर देखो उठो इफ्तारी नहीं करनी तो बेटा उठो ना इतने सुस्त हो रहे हो उठो उठ जा मगरिब का टाइम हो रहा है लाला मगरिब का टाइम हो रहा है उठ जाओ आ जाओ आ जाओ थक गए हो पेपर होने वाले हैं इसलिए थक गए हो तो आपने क्या किया है पेपर के लिए कौन सा है वीडियो बन रही है। <laughs> इतना थक गया हिल भी नहीं रहा मेरे बच्चों की यही आदत है इतना घुस जाते हैं पढ़ाई में बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ाई करेंगे चलो भाई ये तो नहीं उठ रहा है दस्तर उठा लेते बहना भी इधर से उठाओ फ्राइंग आइटम खा खा के ऐसे थक गए हैं कि अब बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं है इतना सारा हालांकि मैंने थोड़ा सा ही बनाया कोई ज़्यादा नहीं बनाया था उसमें से भी इतना सारा बच गया है भी आएगी लेने वाली तो उसको दे देंगे फ्रूट्स में से भी फ्रूट्स भी बच गए हैं सब थक गए हैं अब नौ दिन हुए हैं और सब थक गए हैं अब कल कुछ डिफरेंट बनाना पड़ेगा शरबत भी हालांकि रोज़ इतना ही बनता है और आज इतना सारा बच गया है वक्त हो गया है इख्ताम का और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज